बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी तो हमने कल पढ़ा था हाउ टू राइट केमिकल फ़ार्मूला तो वो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लिखना आ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फ़ार्मूला जिसको हमने राइट डाउन करने का तरीका लिखा था उसके आगे दो टाइप्स हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ एम्पेरिकल फार्मूला इट इज़ एक्चुअली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड कंपाउंड का इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला से प्रजेंट करते हैं और सिंबल से एलिमेंट को तो कंपाउंड में एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनका होल नंबर रेशो सिम्पलेस्ट फॉर्म इसके हम आगे एग्जाम्पल करते हैं फिर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटर्मिंड बाय नोइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड हमें किसी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसकी कम्पोजिशन का पता होगा जैसे मैं कहती हूँ कि एक कंपाउंड है उसमें कार्बन सिक्स हैं और हाइड्रोजन ट्वेल्व हैं तो इसका मुझे अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि इसके परसेंटेज इसमें छः कार्बन है इसमें ट्वेल्व हाइड्रोजन है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये हो गया कि सी भी है इसमें प्रजेंट और एच भी है इसमें प्रजेंट और इसको वन वन की रेशियो करें तो इन टू सिक्स कर दें तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉमूला तो इसमें C और H एम्पेरिकल फॉमूला सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया हाउ एवर वी हेयर वी विल एक्सप्लेन इट विद सिंपल एग्जाम्पल्स कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका दैट इज सैंड आमतौर पर जो हम देखते हैं रेत जो इस्तेमाल होती है इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है वन रेशियो टू ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इसका फॉर्मूला है एस आई ओ टू एस आई का वन और ओ के दो मॉलिक्यूल दो एटम्स दे इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज़ एस आई ओ टू चूँकि जब हमें पता लग गया कि इसकी रेशो वन रेशो टू से है सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशो कंपाउंड में वन रेशो टू हैं तो हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया जो कि केमिकल फॉर्मूला है सैंड का दैट इज एस आई ओ टू सिमिलरली ग्लूकोज हैज़ अ सिंपलेस्ट रेशियो वन रेशियो टू रेशो वन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसी तरह हमें पता चला कि ग्लूकोज का जो कंपाउंड है वो बना ए कार्बन से दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से तो इसका हम सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं सी एच टू और ओ इसका मतलब है कार्बन भी एक है ऑक्सीजन भी एक है और एच दो हैं दिस इज सिंपलेस्ट फार्मूला दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल केमिकल फॉर्मूला as discussed earlier the ionic compounds exist in three dimensional network forms हमने आयोनिक कम्पाउंड की पहले बात की है कि इसमें या कम्प्लीट गेन होता, होता है या कम्प्लीट लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का और ये कंपाउंडस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब है कि ये आपस में बहुत अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं इनकी क्यों क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड हर छे की साइड से थ्री डायमेंशंस में छः की छः साइड से स्पेस में सराउंड हुआ होता है नेगेटिव आइन से ऑपोजिटली चार्ज आइन से ईच आइन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आइन इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड देअ फोर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट इससे हमें यह भी अंदाजा हो गया कि आयनिक कंपाउंड का हम फार्मूला यूनिट लेंगे और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हम इम्पेरिकल फार्मूला लेंगे फार्मूला यूनिट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली हैल फार्मूला फॉर एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ वन एन ए प्लस एन वन सी एल माइनस आयन एंड दम्पेरिकल फार्मूला इज एन ए सी एल सिमिलरली फार्मोला यूनिट ऑफ पोटाशियम ग्रोमाइड इज के बी आर विच इज ऑल्स एम्पेरिकल फार्मूला इससे पता चला कि कोवलट कम्पाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला अलग होता है और मोलिकुलर फार्मूला अलग होता है जबकि आयोनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट दोनों सेम होते हैं ठीक हो गया आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जी ये तो हमें पता है दिस मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी हमें पता है मॉलिक्यूल्स को हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड एक कंपाउंड में जो भी मोलिक्यूल जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक्चुअल नंबर क्या है दैट इज

बेंजीन एक मॉलिक्यूल है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं C6 और H6 इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा C और H को अलग कर लें और इन टू एन मल्टीप्लाई किया एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इफ दैट इज होल नंबर ठीक तो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का है सी एच एन इज सिक्स एंड टोटल मोलिकुलर फॉर्मूलाम और अब मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है आगे चल के एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन पारऑक्साइड इंपेरिकल फार्मूला इज एच ओ मोलिकुलर फार्मूला इज एच टू ओ टू बनजीन एम्पेरिकल फार्मूला सी एच मोलिकुलर फॉर्मूला एज सी सी सिक्स एच सिक्स ग्लूकोज एम्पेरिकल फॉर्मूला एज सी एच टू ओ एंड मॉलिकुलर फार्मूला एज सी सिक्स एज टूल्व ओ सिक्स सम कंपाउंड में हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फॉर एग्जाम्पल वॉटर एच टू ओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मोलिकुलर फार्मूला भी यही है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी एच सी एल है और मोलिकुलर फार्मूला भी अगला टॉपिक है हमारे पास मोलिकुलर मैस एंड फार्मूला मैस द सम ऑफ अटोमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रजेंट इन वॉन वन मॉलीक्यूल ऑफ अ मॉलिकुलर सॉफ स्टाम इज कॉल्ड इट्स मॉलिकुलर मैथ मॉलिक्यूलर मैथ क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जबकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं एक मॉलिक्यूल जितने एटम्स से मिल के बन रहे हैं उन सब एटम्स के अटोमिक मैसेज को सम आप करके जो आंसर आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर मैस फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर मैस ऑफ कलोरिन सी एल टू इज सेवेंटी वन एम यू एंड ऑफ वाटर इज एटीन एम यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड इज फोटी फोर ए एम यू कैसे एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेट द मोलिकुलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड अटोमिक मैस हाइड्रोजन का है वन ए एम यू नाइट्रोजन का अटोमिक मैस इज़ फोर्टीन ए एम यू एंड ऑक्सीजन का सिक्सटीन टोटल मोलिकुलर मैस कितना हो जाएगा मोलिकुलर मैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच एनो थ्री इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय थ्री क्योंकि ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास सिक्सटी थ्री सम आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल आर प्रजेंटेड बाय देर फार्मूला यूनिट्स फॉर्मूला मैस इन केस आयनिक कंपाउंड है या आयनिक मॉलिक्यूल है आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मैस इन सच केस इज द सम ऑफ अटोमूला यूनिट ऑफ अब फॉर एग्जाम्पल फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ए एम यू और ये किसका सम है फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम का और फॉर्मूला मैस ऑफ क्लोराइड वायल दैट ऑफ सी ए यू थ्री इज हंड्रेड एम यू अब हम कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेट द फॉर्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट तो इसका फॉर्मोला मैस कैसे आएगा फॉर्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू फॉर्मूला मैस ऑफ पोटाशियम मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस फॉमूला मैस ऑफ सल्फर प्लस अटोमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई फोर तो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास फॉर्मूला मैस तो आज का समरी ये है कि केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आपको केमिकल फार्मूला के बाद उसकी दो टाइप्स हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स की मोलिकुलर फार्मूला एक कोवलेंट मॉलिक्यूल का होता है जबकि उसका मैस मोलिकुलर मैस है और फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का होता है या आयनिक मॉलिक्यूल का और इसका मैस फॉर्मूला मैस होता है तो इसके साथ ही आज के लेक्चर हमारा होता है ख़त्म आपको कोई क्वेश्चन हैं कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें मिलते हैं कल तक अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़